यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने आवाम का जताया शुक्रिया। कहा, यूपी के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बनाया। परिवारवाद पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, मैं किसी परिवार या शख्स के खिलाफ नहीं, मुझे सिर्फ जमहूरियत की फिक्र है। आज दिल्ली आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, मरकजी क़यादत से करेंगे मुलाकात। आज पंजाब के सीएम चन्नी देंगे इस्तीफा। बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग, जीत वाले चार रियासतों के लिए ऑब्जर्वर्स के नाम पर चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी और राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। यूपी समेत चार रियासतों में बीजेपी की जीत का मुल्क भर में जश्न। कानपुर के मेयर ने बुलडोजर पर चढ़कर बनाया विक्ट्री का निशान। बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अपर्णा यादव के घर जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई जीत की खुशी। उत्तराखंड में बीजेपी ने दर्ज की तारीख, 70 में से 47 सीटें जीतकर दोबारा इक्तदार पर काबिज हुई भगवा ब्रिगेड। नोएडा में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह 1,79,000 के बड़े मार्जिन से इंतखाब जीते। बीजेपी के कारकुनान ने पंकज सिंह के दफ्तर में मनाया जाए। यूपी में अपना दल सोनीलाल को मिला रियासती पार्टी का दर्जा, असेंबली इंतखाब में 12 सीटों पर जता जीत का जायका। गोवा असेंबली इंतखाब में बीजेपी का शानदार मुजाहरा, 40 में से 20 असेंबली सीटों पर लहराया जीत का परचम। गोवा में बीजेपी की जीत के बाद सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा, जीत का पूरा सेहरा पीएम मोदी को जाता है। गोवा की जीत पर महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर की खुशी, कहा, लोगों ने पीएम मोदी पर यकीन जताया। मणिपुर में भी बीजेपी ने अक्सरियत हासिल की, 32 सीटें जीतने के बाद पुरजोश नजर आए बीजेपी कारकुनान। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के घर के बाहर जश्न का माहौल, घर के बाहर बीजेपी हामियों ने मनाया जश्न। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, कांग्रेस को आवाम ने नकारा। पीएम मोदी ने दी आम आदमी पार्टी को जीत की मुबारकबाद, कहा, पंजाब की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से कराता हूं यकीन दहानी। पंजाब के धूरी में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत, 58,000 से ज्यादा वोटों से जीते भगवंत मान, दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के दलवीर सिंह। पंजाब में मिली तारीखी जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किए भगवान हनुमान के दर्शन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। कांग्रेस की हार पर जल्द सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस में नहीं टाली जा सकती तब्दीली। पंजाब में गिद्दरबाह सीट पर जीती कांग्रेस, कांग्रेस के राजा वर्डिंग के हामियों ने खेली जीत की होली। पीएम मोदी आज से दो रोजा गुजरात दौरे पर, जोरदार इस्तकबाल की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग का हिंदुस्तान पर असर, बढ़ सकती है महंगाई। हिंद चीन के बीच 15वें राउंड की बातचीत आज, एलएसी पर तनाजा सुलझाने के लिए करेंगे चर्चा। रूस के हमले के बाद 100 अरब डॉलर तक पहुंचा यूक्रेन का नुकसान, जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा, भी कयास लगाना जल्दबाजी। और लालू यादव के लिए आज बड़ा दिन, डोरंडा चारा घोटाले केस में लालू की जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई।